गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, माई सेल्फ रश्मि सिंह, आई एम योर हिंदी टीचर ऑफ क्लास फर्स्ट. सो यू आर ऑल वेलकम इन टुडेज क्लास. टुडेज आर टॉपिक इज चूहो म्याऊ सो रही है फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 एंड आर बुक नेम इज रिमझिम. सो चिल्ड्रन, टुडे वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम फ्रॉम पेजेस 64 to 67. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो योर कोर्स बुक. तो बच्चों, ये है आपकी कोर्स बुक रिमझिम फर्स्ट फॉर क्लास फर्स्ट. एंड टुडेज अवर चैप्टर इज चैप्टर नंबर 8, चूहो म्याऊ सो रही है. तो बच्चों, आज हम इस कविता से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे. लेकिन हल करने से पहले एक छोटी सी पोयम को हम इस किताब के माध्यम से समझेंगे. तो बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है मकड़ी ककड़ी लकड़ी, यानी कि तीनों राइमिंग वर्ड हैं, तुकबंदी वाले शब्द हैं. सभी में पीछे ड आया है और इस पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है. इससे रिलेटेड एक पोयम है. यहाँ हमें चित्र में क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक मकड़ी का जाल है, उसमें मकड़ी बैठी है ना, और वो क्या कर रही है, उसके हाथ में एक सब्जी है, लौकी है, तो यहाँ पर वो उसे खा रही है. तो हम यहाँ पर तीन चीज़ों को देखते हैं. अब इस पोयम को आप और हम मिलकर पढ़ते हैं. हमने तीन चीज़ें देखी, दादा तीन चीज़ें देखी. मतलब यहाँ पर हमें तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं. कौन कौन सी हैं वे बच्चों? एक डाल पर थी एक मकड़ी. एक डाल पर कौन थी बच्चों? मकड़ी. लकड़ी पर बैठी थी मकड़ी. और मकड़ी कहाँ बैठी हुई थी? लकड़ी पर. मकड़ी खा रही थी ककड़ी. और मकड़ी क्या खा रही है? ककड़ी, जो कि हमें लौकी की जैसी दिख रही है ना, पर एक्चुअली में ये क्या है बच्चों? ककड़ी है. लकड़ी, मकड़ी, ककड़ी, यहाँ पर कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं जो एक दूसरे से तुकबंदी के द्वारा जुड़ी हुई है? लकड़ी, मकड़ी, ककड़ी. अब इनके क्रम को बदल देते हैं. पहले हम मकड़ी लिखते हैं, फिर ककड़ी, फिर लकड़ी. तो मकड़ी, ककड़ी, लकड़ी. अब इनका फिर से क्रम बदल दीजिए, ककड़ी, लकड़ी और मकड़ी, ये तीन चीज़ें हैं. अब बच्चों, यहाँ पर आगे पढ़ते हैं. हमने तीन चीज़ें देखी, दादा तीन चीज़ें देखी. एक खेत में थी कुछ बालू. बालू मीन्स मिट्टी. बालू पर बैठा था भालू. और भालू तो आप जानती हैं. भालू खा रहा था आलू. और भालू क्या कर रहा था? आलू खा रहा था. अब यहाँ पे भी तुकबंदी वाले तीन शब्द हैं, बालू, भालू और आलू. तो हम इनका क्रम बदल बदल कर लिखेंगे, बालू, भालू, आलू. अब हम भालू को पहले लिखेंगे, भालू, आलू, बालू. अब हम आलू को पहले लिखेंगे, आलू, बालू और भालू. तो इस तरीके से बच्चों, ये छोटी सी पोयम हमने रीड की. अब हम इन सभी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले बच्चों, यहाँ हम तुकबंदी वाले शब्द पढ़ेंगे. तुकबंदी वाले शब्दों से आप क्या समझते हैं? ऐसे शब्द जिनकी आगे और पीछे वाले शब्दों पर एक जैसी मात्राएं होती हैं और पीछे वाले वर्णों पर भी एक जैसी मात्राएं लगी होती हैं. जिनकी जो ध्वनि होती है वो एक दूसरे से मिलती है. जैसे कि पीछे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे. पसारी, सवारी. पतीली, रसीले. उल्टा, तो उल्टा का क्या क्या राइमिंग वर्ड हो सकता है बच्चों? मटका, झटका, मरोड़ो, तो इसका होगा सिकोड़ो. उतरो, तो इसका राइमिंग वर्ड हो जाएगा कुतरो. घर में किसका राज चल रहा है? जैसा कि हमने चूहों और म्याऊं वाली कविता पढ़ी थी, तब घर में किसका राज चल रहा था? कौन सारी जगहों पे घूम रहा था? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, घर में चूहों का राज चल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ली कहाँ सो रही है? यहाँ पर कविता के अनुसार
बिल्ली घर के पीछे सो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतीले में क्या था बच्चों? उत्तर होगा पतीले में रसीले चने थे। और घर में क्या क्या चीज़ रखी हुई थी बिल्ली के लिए? दूध था, दही था, मक्खन था, सभी पर चूहों का राज चल रहा था क्योंकि बिल्ली उस समय सोई हुई थी। तो बच्चों अब कुछ और प्रश्नों को हम किताब की सहायता से हल करेंगे। बच्चों इस पेज को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बना हुआ है? एक सांप का चित्र ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? तुक मिलान वाले शब्द लिखने, जैसे कि सोई, सोई का तुकबंदी वाला शब्द होता है खोई। नेक्स्ट है आपका पतीले, तो इसका तुकबंदी वाला शब्द हो जाएगा रसीले। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? रसीले। ठीक है, मटका, तो इसका हो जाएगा छटका। नेक्स्ट है पसारी, तो इसका हो जाएगा सवारी, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। मरोड़ो, सिकोड़ो, सिकोड़ो। उतरो, कुतरो, है ना, चूहे कुतर देते हैं ना सारी चीज़ों को, तो यहाँ कुतरो, इसका तुकबंदी वाला शब्द हो जाएगा। इस तरीके से इस पहेली को हम सॉल्व कर लेंगे। बच्चों अब कुछ प्रश्नों को हम फिर से हल कर। बच्चों चूहों को किसका डर नहीं था? चूहों को बिल्ली का डर नहीं था क्योंकि बिल्ली तो सो गई थी और चूहे अब आजाद हो गए थे और वो घर में किसी से भी नहीं डर रहे थे। उनके जो मन में आ रहा था वो कर रहे थे। डाल पर कौन बैठी थी? तो बच्चों जैसे कि हमने छोटी सी पोयम पढ़ी, डाल पर मकड़ी बैठी थी। मकड़ी क्या खा रही थी? मकड़ी ककड़ी खा रही थी। मकड़ी क्या कर रही थी बच्चों? ककड़ी खा रही थी। खेत में क्या थी? खेत में कुछ बालू थी। बालू पर कौन बैठा था? बालू पर बच्चों भालू बैठा हुआ था। तो इस पोयम में हमने सबसे पहले कौन सी तीन चीज़ें देखी? मकड़ी, ककड़ी और लकड़ी। नेक्स्ट पैराग्राफ में कौन सी तीन चीज़ें थी? बालू, भालू और आलू। तो बच्चों आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। मुझे आशा है कि सभी प्रश्नोत्तर आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद, हैव अ नाइस।